नमस्ते, हेलो फ्रेंड, मैं शनि चापुर आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग थ्रेड से फैदर वाला कीलिंग बनाएंगे और हम वो शुरू करें उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। दोस्तों, आज हम क्रोशे के थ्रेड का एक फैदर बनाएंगे और उसको इस रिंग में लगाएंगे। ये रिंग ओपनेबल है, इसको हम खोल भी सकते हैं और आराम से ये लॉक भी हो जाता है। आप चाहें तो ये रिंग की रिंग होल्डर में भी लगा सकते हैं और या ऐसे भी रख सकते हैं। उसके अलावा हमें ये पिन और एक सीजर चाहिए। अब सबसे पहले हम इस थ्रेड में से एक पीस तो 18 इंच का कट करेंगे और 30 पीस 10 इंच के कट करेंगे। सबसे पहले 18 इंच वाले पीस को इस रिंग पे टाई करेंगे। उसके लिए इसके पोर फोल्ड करके इस रिंग के नीचे से डाल के बीच में से निकालेंगे और ये सारे थ्रेड इस थ्रेड के बीच में से निकाल लेंगे और इसको रिंग पे एकदम टाइट कर देंगे और इस रिंग को यहाँ पे पिन कर देंगे जिससे ये हिले नहीं। अब 10 इंच के जो हमने पीसेस काटे हैं उसको भी हम सेम मेथड से टाई करेंगे, लेकिन रिंग पे नहीं बल्कि इस थ्रेड पे टाई करेंगे। इन पीसेस के भी फोर फोल्ड करेंगे और इस थ्रेड के नीचे से निकाल के ऊपर से लाएंगे और इसी थ्रेड के बीच में से ये बचा हुआ थ्रेड निकाल लेंगे और इनको भी हम थ्रेड पे एकदम टाइटली टाई करते जाएंगे। और इसको हम एक बार राइट साइड से टाई करेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से, और इसी तरह हम इस थ्रेड पे इसको अल्टरनेट राइट और लेफ्ट से टाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये 30 पीस आप फैदर की लंबाई जितनी रखना चाहते हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा लंबा बनाना है तो आप ज्यादा पीस भी कट कर सकते हैं और कम लंबा बनाना है तो पीसेस का काउंट कम भी कर सकते हैं। अभी हम करीब करीब 3 इंच लेंथ का फैदर बनाएंगे। और दोस्तों, ये आप चाहें तो सेम लेंथ के भी थ्रेड ले सकते हैं या फिर आप इनको थोड़े थोड़े छोटे करते हुए भी ले सकते हैं। और ये नॉट्स एकदम टाइट लगाएं और इनको बिल्कुल ऊपर करते जाएं। दोस्तों, हमें जितना लंबा फैदर बनाना है वो लेंथ कंप्लीट होने के बाद इन सारे थ्रेड्स को नीचे की तरफ टेपर करते जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि टेपर करते में इनमें कोई ट्विस्ट ना लगे या ये ओवरलैप ना हो। और ये बीच वाले जो फोर थ्रेड्स हैं जो हमने रिंग पे सबसे पहले लगाए थे, इनमें हम 2 स्क्वायर नॉट्स बनाएंगे।
इसके बाद ये सारे थ्रेड्स पूरी तरह टेपर कर लेंगे और फिर इनकी फेदर के शेप में कटिंग कर देंगे। दोस्तों अगर ये थ्रेड ट्विस्ट होंगे या ओवरलैप होंगे तो जब हम कटिंग करेंगे तो फेदर का शेप प्रॉपर नहीं आ पाएगा। देखिए दोस्तों एक ब्यूटीफुल फेदर रिंग तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितना क्यूट एक फेदर वाला की रिंग हमने बनाई। इसी तरह आप अपनी पसंद के किसी भी कलर का फेदर बना सकते हैं। अगर आप इसको की रिंग की तरह नहीं यूज करना चाहें तो आप इसे बैग में लटका सकते हैं या घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।